ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, किसी को मालूम है दोनों प्रकार? एक होते हैं उनको कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी। और दूसरे होते हैं गृह मेधी, क्या होते हैं? गृह मेधी। जो गृह घर को उन्होंने डेरा जैसा होटल जैसा बनाया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गृहस्थ आश्रम जो है, आश्रम का मतलब वो होता है जहाँ पे भगवान का भजन हो। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ आश्रम में थे। कैसे गृहस्थ आश्रम में थे? भगवान को मांगा था उन्होंने। किसको मांगा था? भगवान को मांग लिया था, भगवान साथ में थे। हम लोग भगवान को नहीं मांग रहे, हम लोग भगवान को नहीं मांग रहे, संसार को मांग रहे। और संसार में स्थापित करने वाले अनेक अनेक जो 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के, 33 करोड़ नहीं, 33 टाइप्स के देवता होते हैं। वो 33 प्रकार के प्रकार को भी कोटि कहा जाता है। तो जो 33 प्रकार के देवता हैं, हम उनके शरण में जाते हैं बारी बारी से। कैसे जाते हैं? बारी बारी से, बदलते रहते हैं। यहाँ काम नहीं बना, वहाँ काम नहीं बना, ये यज्ञ से नहीं हुआ ये व्रत से नहीं हुआ, ये उपवास से नहीं हुआ, पैदल चल के जाऊंगा, घुलट घुलट के दंडवती करूंगा। अनेक प्रकार के हम लोग यत्न करते रहते हैं, अनेक प्रकार के। तो ये गृहस्थियों का, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का काम नहीं। आश्रम मीन्स, आश्रम का मतलब होता है जहां भगवान का नाम का कीर्तन नियमित रूप से, नाम का जप नियमित रूप से, भगवान की सेवा नियमित रूप से, वो आश्रम है। वो युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी थे, भगवान को मांगा, बहुत कुछ मिल रहा था उनको, मुझे भगवान आप चाहिए। उनकी माता की शिक्षा थी, माता ने, कुंती महारानी ने भगवान को मांगा, भगवान के लिए रोया, भगवान को कहा सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो गोविंद, लेकिन आप मत जाओ छोड़ के। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। शिक्षा क्या रही जीवन में? गृहस्थियों को
भगवान जीवन में चाहिए, भगवान मांगना चाहिए, भगवान भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा में रहना चाहिए और निरंतर हरि नाम करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का सुबह शाम भोग आरती घर में होना चाहिए। भगवान घर में रख दिया, खुद पका के खाते रहते, भगवान को कुछ नहीं देते। पानी का गिलास भी भगवान के लिए नहीं होता है, खुद थाली सजा सजा के खाते रहते, अनेक प्रकार से दिन भर खाते रहते। भगवान को ज्यादा से ज्यादा एक शक्कर की गोली दे देते। क्या दे देते? मकुन दाना, कुछ खरी शक्कर, कुछ और दे देते। भगवान शक्कर खाते क्या? अरे तेरे जैसा अधम थाली भर के खाता है तो भगवान क्या खाते। यहाँ सबको भगवान ने कृपा करके आंख दिया है, देखिए आज 56 भोग लगाए, जाके तो देखिए, एक ही भक्त ने 56 भोग लगाए हैं आज, 56 प्रकार के, और 10 बजते बजते 100 के ऊपर हो जाएंगे, और कल भी 56 भोग लगेंगे यहाँ भगवान के लिए, कल भी 56 भोग लगेंगे और इससे भी विशेष लगेंगे भक्तों के द्वारा, इससे भी विशेष लगेंगे। तो मैं यहाँ पे निवेदन करूँ, अभी बात आई है कि अगर आप सबको भी लाना है भगवान के लिए 56 भोग, तो फल फ्रूट मिठाई या शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का, जो नॉनवेज नहीं खाते वही ला सकते, जो शाकाहारी है वो, जो मांसाहारी है वो फल फ्रूट मिठाई लेके आइए। अगर आपकी इच्छा हो तो, जरूरी नहीं, आपका मन बुद्धि गवाही दे तो यहाँ लगाई जाएगी भक्तों के द्वारा, हर साल लगाई जाती है रथ यात्रा, जिस दिन भगवान का होता है। भगवान जब पूरे शहर में घूम के आते हैं, सबको दर्शन दिया, आनंद किया, और फिर यहाँ भक्त लोग उनके आनंद के लिए 56 भोग खिलाते भगवान को और भक्तों में फिर बांटते। तो आज भी 56 भोग प्रसाद आप सबको मिलेगा और कल भी मिलेगा। तो आज सब सभी को बताइएगा कि भाई कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, दोपहर को 3 बजे से चक्रेश्वर तालाब नाला सोपारा भेज 3 बजे। और स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो भी जीव गृहस्थी, कोई भी जीव, भगवान जब रथ पे आरूढ़ होते, बैठते, सवार होते, उस समय जो महाआरती होती है, उस समय जो भगवान का दर्शन करता है, वो तुरंत मुक्ति को प्राप्त होता है, दोबारा जन्म नहीं उसका। इतना सरल हमारे जगन्नाथ जी हैं, इतने करुणा दयालुमय, करुणा सिंधु हैं, लेकिन जीव उनके पास जाता नहीं। कलयुग का जीव गला मेहंदी बन के घर में अपने डेरा में पड़ा रहता है। ये जो विग्रह है ना जगन्नाथ जी का, इसको दारू ब्रह्म कहते। क्या कहते? दारू ब्रह्म। लकड़ी का विग्रह है, नीम के लकड़ी से बनते हैं भगवान, नीम के लकड़ी को दारू कहते हैं। तो ये दारू ब्रह्म है, लकड़ी से बने हुए भगवान है। और कलयुग में अगर कोई सबसे जल्दी प्रकट होने वाले भगवान है तो वो है हमारे जगन्नाथ जी, और नाम के रूप में चैतन्य महाप्रभु। तो ये सबसे करुणामय दयालु ताजा ताजा अवतार है भगवान का, कलयुग के जीव के आनंद कल्याण के लिए। इसलिए हम सभी भक्त जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, जितना हो सकता उतने प्रेम से, भाव से। आज जगन्नाथ जी को भक्तों ने फ्लावर का ड्रेस बना के पहनाया है, किसका? फूलों का ड्रेस पहनाया है। तो ये भाव है भक्तों का, अपने आप को उसमें लगाते हैं। आप सब किसमें लगाते हैं? रोज अपना घर साफ करते 4 घंटा, एक चींटी नहीं रहने दूंगा, एक कॉकरोच नहीं रहने दूंगा, सबको दुश्मन बना लिया, ये सब पाप है। आप सबने नरकों का वर्णन सुना ना, एक जीव को भी नहीं मारना चाहिए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज धर्मराज और धर्म का पालन, भगवान को मांगा अपने जीवन में, भगवान उनके साथ हमेशा रहते थे। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं रह रहे वास्तविक में, क्योंकि हमारे घर में भगवान की सेवा भी नहीं है। यहाँ सभी के घरों में हम सब भक्तों के कम से कम लड्डू गोपाल जी हैं, नहीं तो किसी के घर में पंचतत्व जी हैं, जगन्नाथ जी हैं,
गौर निताई जी है। देखिए पूरा दो दो जगह पे लड्डू गोपाल सभी के घरों से आए हुए आनंद करने के लिए, आप सबको आनंद देने के लिए, शिक्षित करने के लिए कि भैया कब तक ड्राइंग रूम सजाते रहोगे, क्रॉकरी सजाते रहोगे, वो तो टूट के बर्बाद होने वाला है, टूट के बर्बाद होने वाला है, कितना भी महंगा क्यों ना लाओ और कितना भी अपने आप को सजाओ या घर वालों को सजाओ, वो लात मार के जाने वाले हैं। क्या करने वाले? लात मार के जाने वाले हैं। सुबह भी मारते शाम को भी मारते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज जीव की स्थिति है ना, घर का जो आदमी है ना, इस कलयुग में कुत्ते जैसा हो गया है। कैसा हो गया? घर का जो आदमी कुत्ते जैसा हो गया है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ जरूरी सामान घर में लेके नहीं आया, बेचारे को कमाई नहीं हुई, टाइम पे पैसा नहीं मिला, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, अनेक प्रकार से लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स आ गए हैं, धंधा पानी चलता नहीं। अब टाइम से कोई चीज घर में लेके नहीं आए तो क्या होता है? घर में झगड़ा होता है। सबके घर में होता है क्या? ऐसे कौन महाभाग्या बैठे भागवत परम एकदम विरक्त असली साधु कौन है जिनके घर में झगड़ा नहीं होता है? कोई है तो हाथ उठाइए। आपके घर में नहीं होता है? आपने कभी झगड़ा नहीं किया इनके लिए? सच बोल रहे ना, कभी झगड़ा नहीं किया? कभी नहीं। इनके धर्मराज की माँ है, इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनसे शिक्षा लीजिए, ना झगड़ा किया ना घर में होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसका मंत्र सबको बता दे क्यों झगड़ा नहीं होता है। तो बड़े भाग्यवान है माता जी और इनके घर के लोग। और लोग आए घर के तो बहुत सारे जो भक्त बैठे यहाँ, लगभग जितने भी 400-500 जो भी हैं, वो सब स्वीकार करते झगड़ा होता है, झगड़ा करते हैं ना। गृहस्थ जीवन में शास्त्र में लिखा है झगड़ा होना चाहिए। सच बोल रहा हूं यहां से बैठ के। क्या लिखा हुआ है? गृहस्थ जीवन का दो ही आनंद है, गृहस्थ जीवन का दो ही आनंद है, एक पति पत्नी का झगड़ा पहला आनंद, पति पत्नी का झगड़ा, और दूसरा आनंद घर में गोपाल होने चाहिए, संतान होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में ये दो चीज के अलावा कोई और सुख नहीं, आनंद नहीं। पति पत्नी झगड़ा नहीं करते इसका मतलब दोनों 36 वाले हैं। क्या है? बातचीत ही नहीं करते तो झगड़ा क्या होगा? या तो फिर एकदम धर्मराज होंगे, कलयुग में तो मुश्किल है धर्मराज होना। पति पत्नी के झगड़े से प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? झगड़ा हो गया, दोनों को शिक्षा मिलता है, यार चुप रह जाता तो अच्छा था, पैसा तो था, मैंने झूठ बोला, लाके दे देता था 500 रुपए का चीज तो झगड़ा नहीं होती थी। आज जो भूखा मर रहा हूँ दिन भर, ये रोड पे जो बड़ा पाव खा रहा हूँ, नहीं खाना पड़ता था, झगड़ा करने का टाइम नहीं सोचता। जब घर में लक्ष्मी जी उपवास कर देती है फिर बड़ा पाव खाने के टाइम याद आता है कि अगर बात मान लेते तो अच्छा था। तो पति पत्नी का झगड़ा होते रहता है सभी घर में, और ये झगड़ा के बाद जब प्रेम होता है तो और नजदीकी बढ़ता है और अपनापन बढ़ता है। पति अपने पत्नी को प्रेम करते हैं और स्त्री भी घर में सोचती है क्यों मांगा, 10 साड़ी तो पहले से अलमारी में है, जेवर भी सब पड़े हैं, सब सामान है, खाली पीली का बोल के उनका मूड बिगाड़ दिया। मेरे तो पति देव है, बेचारे कभी कभी तो बिना मांगे लाके दे देते। मैं भी अपने सहेलियों की बात में आ जाती हूँ और झगड़ लेती हूँ अपने पति से, ये सहेली लोग ही हमें बिगाड़ के रखा है। लेकिन कब आती समझदारी? झगड़ा होने के बाद। कभी
जब ही सहेली लोग चढ़ाते उस टाइम नहीं आते हैं। तो संग उनका करिए जो अच्छा बात सिखाए, जो घर में झगड़ा लगा दे उनको प्रणाम करिए, क्योंकि आज ऐसे ही लोग संसार में बढ़े हैं। ऐसे लोग को पहचान के घर में बिठाइए आप लोग, प्रभु लोग भी माता लोग भी, उनका ही संग करिए जो भगवान का भजन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। ऐसे कहा जाता है गृहस्थी तब टूटता है, दाम्पत्य तब बिगड़ता है जब कोई उसके बीच में तीसरा आ जाता है। महाभारत तब हुआ जब शकुनी आया। महाभारत शकुनी उसमें बड़ा अहम रोल था। भगवान ने सिखाया है जब तीसरा आएगा महाभारत होगा, जब घर में साला आएगा महाभारत होगा। भागवत जी में लिखा है कलयुग में लोग सालों से सलाह लेंगे, भागवत जी में लिखा है। भाई को निकाल देंगे, सगे भाई को, साले को रखेंगे घर में, ये भागवत जी में लिखा है। ऐसे धर्मराज हो गए सब, ऐसे सब धर्मराज लोग हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं, वहां गृहस्थ आश्रम उनको कहते हैं जहां भगवान का भजन होता है, सेवा होता है। लड्डू गोपाल जी रहते हैं, हमारे जगन्नाथ रास बिहारी, देखिए कितने सुंदर है, जो छवि देखेंगे आंख नहीं हटेगा। हम उनको छोड़ के क्या क्या नहीं देखते रहते, क्या क्या नहीं करते रहते। तो एक गृहस्थ आश्रम में नहीं रह रहे, सब ग्रह मेहंदी है जो भगवान से विमुख है, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हरि नाम हरि संकीर्तन नहीं कर रहे, माथे पे तिलक नहीं है। मैं रोज कहता हूं तिलक, ये तिलक, ये तिलक कैसा है मालूम है? भगवान के धाम ले जाने वाला तिलक है। इससे ऊंचा इस जगत में श्रृंगार नहीं है, इससे ऊंचा इस जगत में श्रृंगार नहीं है। लेकिन हम लोग तिलक के बदले अनेक प्रकार के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, और 5-10 हजार देने के बाद अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं। क्या होता है, 2-3 घंटे में ऐसा रंग उतरता है कि फिर हमें लगता है बेकार पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन जब हम भागवत नहीं जानेंगे, सत्संग नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो श्रृंगार तिलक होना चाहिए, ये भगवान के नाम का कंठी माला पहनना चाहिए, ऐसे गृहस्थ भक्त बनना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में ऐसे रहना चाहिए, नियमित रूप से भगवान की सेवा नाम जप होनी चाहिए। तो दूसरा है ग्रह मेहंदी, ये पहला गृहस्थ आश्रम वालों की मैंने थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा की। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अनेक अनेक जीव हुए जो आज अजर अमर हो गए, शास्त्रों में स्थापित हो गए। कौन कौन गृहस्थ आश्रम में थे? शिव जी, दर्शन करिए, गृहस्थी शिव जी, गृहस्थी राजा जनक, गृहस्थी राजा दशरथ, गृहस्थी नंद यशोदा, गृहस्थी ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, मीरा, सब गृहस्थी थे। क्या थे? सभी लोग गृहस्थी थे। क्या थे? गृहस्थ आश्रम में भजन करते थे। ये जो सप्त ऋषि लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा गृहस्थी थे, जिनके नाम पे हमारे गोत्र होते हैं। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहने की महिमा है। इन्होंने घर में भगवान को, गोद में भगवान को खिलाया अपने भजन के द्वारा, भगवान का नाम जप करके, सेवा जप करके। गृहस्थियों के घर भगवान आते, और जो सबसे बड़ा भगवान का अवतार है जो अभी अभी हुआ, वो भी गृहस्थी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की गौरांग, ये भी गृहस्थी। 9 दिन धाम में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में अभी अभी 531 साल पहले स्वयं आए भगवान हरि नाम लेने के लिए। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन की महिमा, गृहस्थ आश्रम की महिमा है। लेकिन लोग उसको छोड़ के ग्रह मेहंदी बने हुए हैं। क्या बने हुए? ग्रह मेहंदी। जिस घर में भगवान का सेवा नहीं होता, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता है,
इस प्रकार से ये ग्रह में दे लोग जहां इस घर में जिस घर में चार प्रकार के पाप होते हैं, नशा, मांसाहार, जुआ और अवैध संबंध, ये महापाप है। ऐसे जिस घर में होते हैं वहां पे कभी भी भगवान नहीं होते, और ये आश्रम है ही नहीं, ये गृहस्थी है ही नहीं। यहाँ तो शास्त्रों में क्या लिखा गया, ये भूतों का डेरा जैसा है। यही के लोग कोई कोई भूत बनेंगे, यही के लोग कोई कोई भूत बनेंगे जब इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने कथा सुना महात्म्य गोकर्ण का भाई धुंधुकारी, वो ऐसे ही गृहस्थी था, चारों प्रकार का पाप करता था और मरने के बाद प्रेत बना। बना कि नहीं, सुना आप लोगों ने? जो ग्रह में नहीं होंगे भगवान भजन नहीं होगा, चार प्रकार के पाप करेंगे, खूब उदम, खूब मेहनत करके, खूब बुद्धि लगा लगा के, झूठ बोल बोल के, थक के, छल करके और गधे से भी ज्यादा मेहनत करके कमाएंगे और मन मर्जी खाएंगे, मन मर्जी जिएंगे। वो कहाँ जाएंगे? ग्रह मेंदी बन के पाप के गाल में समा के नरक भोगी बन जाएंगे। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी, मिलावट नहीं है। तो क्या बनना चाहिए? ग्रह मेंदी बनना चाहिए कि ग्रह आश्रम में रहना चाहिए? बोलिए। दुर्योधन की दशा तो मालूम है ना, दुर्योधन की दशा मालूम है ना, कैसा था? धर्म विरुद्ध बात करता था, पूरा वंश खत्म हो गए। तो दुर्योधन वृत्ति से मत जिए, हमें सब मालूम है, धर्म तो मुझे सब मालूम है लेकिन अधर्म नहीं छोड़ सकता हूं। ये गृहस्थ आश्रम का आदर्श नहीं, जीव नहीं, ये ग्रह मेली है, ये चालाक लोग हैं, ये पतित लोग हैं, ये कलयुग साक्षात कलयुग है। तो ये पूरा कलयुग का स्वरूप है। जहां मटन चिकन शॉप है, बार है, रेस्टोरेंट, शराब बेची जाती, पिलाई जाती, पी जाती है, ये साक्षात कलयुग है ये लोग। और क्या चौथा? जहां पे जुआ सट्टा खेला जाता है, ये कलयुग महाराज है। और पांचवा भी मैंने बताया था, कलयुग ने एक स्पेशल मांगा था परीक्षित महाराज से कि जो बहुत ज्यादा सोना रखते हैं या पहनते हैं वो भी कलयुग का पहचान है। सोना सिर्फ भगवान के लिए जमा करना चाहिए, भगवान की मूर्ति, भगवान के आभूषण, भगवान का श्रृंगार, इस प्रकार से सोना जमा करना चाहिए और दान करना चाहिए, तो पाप बढ़ता है। भागवत जी कह रहे, कौन कह रहे? भगवान कह रहे, हम सबके कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त होते हुए नारद जी से क्या पूछ रहे? भगवान उनके साथ रहते, सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ क्या? कोई कितना भी बड़ा भक्त रहने दो, पांडवों जैसा सौभाग्य किसको भी प्राप्त नहीं हुआ। किसी को दर्शन दे दिया, किसी के यहाँ कुछ दिन रहे, किसी के यहाँ कुछ दिन रहे। एक ग्रस्त भक्त इसी महाराष्ट्र में थे, परम भाग्य महाभागवत, उनको महाभाग्य कहा जाता है। वो कौन थे? संत एकनाथ, जिनके घर में भगवान कितने साल रहे? 12 साल। और क्या बन के रहे? नौकर बन के रहे, श्री खंडिया बन के सभी प्रकार की सेवा की। भगवान तो भक्त वत्सल दिख जाते हैं भक्तों के भाव पे, लेकिन हम लोग कैसे हैं? भक्त वत्सल नहीं है, हम लोग स्वार्थ वत्सल हैं, स्वार्थ के रिश्ते बनाए संसार में और बनाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से अनेक अनेक शिक्षा है गृह जीवन की, अनेक भरे भरे शास्त्रों में, सिर्फ उदाहरण देते देते 4-6 दिन निकल जाएंगे। इतने गृहस्थों ने गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को नीचे अपने घर में, गोद में, आंगन में उतारा है। हम सब भी उतार सकते, हम सब भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते या पूरा जीवन आनंद से रह सकते। कैसे? भगवान का भजन करके, घर को आश्रम बना के। और ये बड़ा आसान है, घर को आश्रम बनाना बहुत आसान है,
कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। घर में सुबह शाम भगवान का कीर्तन आरती हो, भोग लगे भगवान को खिलाओ, जो कुछ मिला भगवान कृपा से मिला, हमारा जो भी स्थिति है भगवान कृपा से है, सिर्फ अपने भाव को ऐसे बनाना है। जो भी कोई अतिथि आए उनकी सेवा करिए, कोई साधु संत महात्मा, ये गृहस्थियों का परम कर्तव्य है कि उनकी खूब सेवा करे। भगवान ने इसीलिए गृहस्थ आश्रम बनाए, इसीलिए उनको व्यापार और झूठ बोलने का इजाजत दिया। अनेक अनेक प्रकार से लोगों की वृत्ति दूषित हो गई है, बुद्धि एकदम कलुषित हो गई है, मंद बुद्धि हो गए हैं। 500 हजार रुपए की सिनेमा का टिकट लेंगे, हजारों रुपए के शराब की बोतलें लेंगे, हजारों रुपया गाड़ी में घूमने में बर्बाद करेंगे, रोज नए कपड़े में हजारों हजार रुपए बर्बाद करेंगे, और बिना कारण होटलों में जाके हजारों रुपए बिल दे देंगे, लेकिन सत्संग में नहीं देंगे, भगवान के प्रीति में नहीं डालेंगे, कोई मंदिर में जाके नहीं डालेंगे, कोई साधु को बुला के घर में भोजन इत्यादि नहीं कराएंगे, भजन कैसे करो उसका कारण नहीं जानेंगे, ऐसे ग्रह मेंदी है कलयुग के जी। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।